नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये फॉक्स वैगन जेटा है और इसका अपन ड्राइवर साइड एयरबैग रिमूव करेंगे और उसके लिए जो टूल्स है वो यूज़ करूँगा मैं, एक स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, एक डिस्टेंस और T25 सॉकेट। तो स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते हैं और ये एयरबैग रिमूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप में अपन उसका जो स्टीयरिंग एडजस्टर है यहाँ पे उसको अपन नीचे करेंगे। स्टीयरिंग को अपन नीचे लेंगे थोड़ा और स्टीयरिंग को ऊपर करेंगे। ऊपर उठाया मैंने। सेकंड स्टेप में इसके नीचे एक स्क्रू है T25 का, उसको खोलेंगे इसके अंदर। इसको खोल दिया मैंने। उसके बाद स्टीयरिंग का जो अपर साइड है यहाँ पे उंगली पकड़ के इसको अपन खींचेंगे तो ये इजीली खुल जाएगा। ये और इसके अंदर भी दो स्क्रू रहते 25 नंबर ऐसे भी और इसके अपोजिट साइड में भी, तो इसको भी खोलते हैं और इसके अपोजिट साइड में भी है, इसको भी खोलते हैं। खोल लिया। अभी ये इजीली निकल जाएगा कवर, ये निकल गया कवर। और इसके अपोजिट साइड में मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो लॉक है इसका उसको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो आपको लॉक खोलने के लिए पहला दोनों साइड से इसको ऐसा खींच के रखना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से। और नीचे के साइड में आपको लोकेशन दिखाता हूँ। इसका जो नीचे का साइड है यहाँ पे एक इसका लॉक रहता है, वो लॉक को आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको आपको कटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसको मैं हल्का ऊपर उठाता हूँ, देखो ऊपर उठा दिया मैंने। अभी इसको खींचेंगे, तो यहाँ का एक साइड का निकल गया। अभी सेम वैसे ही उसके अपोजिट साइड का भी निकालेंगे। सेम वही सेम प्रोसीजर है, वैसे ही उसको स्क्रू को ऊपर उठाएंगे लॉक से तो ये अपना एयरबैग बाहर निकल गया। ये अपना जो एयरबैग है वो बाहर आ गया और इसका एयरबैग का और एक लॉक निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जो स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे इसको हल्का ऊपर उठाना पड़ेगा वाइट वाले लॉक को, ये बाहर आ जाएगा। और नीचे भी एक है लॉक, इसको आपको उंगली से ही पकड़ के इसको खींचना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे लॉक है सॉकेट का और यहाँ पे दो सॉकेट। तो ये अपना ये एयरबैग इजीली बाहर आ गया और ये इसका जो अपन ने अंदर से नीचे से जो अपन ने इसको प्रेस किया था स्क्रू ड्राइवर से, ये वाला लॉक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एयरबैग रिमूव करने का समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।